तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया सब, मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही मजे करते रहो, अपने सपनों को पूरा करते रहो। तो भाइयों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट्स में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट्स में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं। तो चलिए भाइयों, आपका ज्यादा कीमती समय ना बर्बाद करते हुए जान लेते हैं कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज का नाम है। तो दीवानों, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट्स में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं इंडिया के विराट कोहली। कोहली सर ने 2016 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 41 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 86.50 के एवरेज से 2595 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 13 अर्धशतक और 7 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 235 रन का था। अब आप बताओ कि विराट सर ने अपने इस साल का बेस्ट स्कोर किस टीम के अगेंस्ट बनाया था, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं श्रीलंका के कुमार संगकारा। संगकारा सर ने 2006 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 55 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 52.18 के एवरेज से 2609 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 16 अर्धशतक और 5 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 287 रन का था, जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं इंडिया के राहुल द्रविड़। राहुल सर ने 1999 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 62 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 46.89 के एवरेज से 2626 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 9 अर्धशतक और 10 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 190 रन का था। साथ ही भाइयों, राहुल सर एक साल में 2600 से भी ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ ने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग। पोंटिंग सर ने 2003 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 49 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 66.42 के एवरेज से 2657 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 8 अर्धशतक और 11 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 257 रन का था, जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ बनाया था, और ये स्कोर इनके करियर का सबसे बेस्ट स्कोर भी है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो हमारी इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आते हैं श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। मैथ्यूज सर 2014 में दूसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने कुल 59 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 65.53 के एवरेज से 2687 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 17 अर्धशतक और 4 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 160 रन का था। साथ ही एंजेलो मैथ्यूज सर श्रीलंका के लिए दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। विलियमसन सर ने 2015 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 46 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 65.65 के एवरेज से 2692 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 14 अर्धशतक और 8 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 242 रन का था। साथ ही भाइयों, न्यूजीलैंड के लिए एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी केन विलियमसन ही है। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो हमारी इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आते हैं इंडिया के विराट कोहली। कोहली सर ने 2018 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 47 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 68.37 के एवरेज से 2735 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 9 अर्धशतक और 11 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 160 रन का था। अब आप बताओ कि कोहली सर ने इस साल का भी अपना बेस्ट स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया था, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए हो। तो हमारी इस लिस्ट में 3रे नंबर पर भी आते हैं इंडिया के विराट कोहली। कोहली सर ने 2017 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 52 इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 68.73 के एवरेज से 2818 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 10 अर्धशतक और 11 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 243 रन का था। अब आप बताओ भाइयों कि विराट सर ने इस साल का भी अपना बेस्ट स्कोर किस
टीम के खिलाफ बनाया था, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और जिस किसी भाई ने भी अगर ये बता दिया कि विराट सर ने अपने इस साल का बेस्ट स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया था, तो मैं मान जाऊंगा कि आप विराट सर के बहुत ही बड़े फैन हो। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग। पोंटिंग सर ने 2005 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 58 इनिंग खेली थी जिसमें इन्होंने 56.66 के एवरेज से 2833 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 15 अर्धशतक और 9 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 207 रन का था। और भाइयों, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा बार एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रिकी पोंटिंग ही है। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं श्रीलंका के कुमार संगकारा। संगकारा सर ने 2014 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इस साल इन्होंने मात्र 57 इनिंग खेली थी जिसमें इन्होंने 53.11 के एवरेज से 2868 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 18 अर्धशतक और 8 शतक भी थे। साथ ही इस साल का इनका बेस्ट स्कोर 319 रन का था, जो इनके करियर का भी बेस्ट स्कोर है। तो चलिए भाइयों, ये बात तो हो गई कि एक साल में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं। अब बारी है आपकी। अब आप बताओ कि आप सबका इन सब में से सबसे फेवरेट बल्लेबाज कौन सा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।